नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राधा रतूड़ी बन सकती है प्रदेश की मुख्य सचिव। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड को मिल सकता है पहली महिला मुख्य सचिव का तमगा। तेज तर्रार वरिष्ठ आईएएस अफसर है राधा रतूड़ी। 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर है राधा रतूड़ी। बता दें कि मुख्य सचिव एएस संधू के बाद संभाल सकती है पद राधा रतूड़ी को। शासन का है लंबा अनुभव। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां राधा रतूड़ी को मिल सकता है ये पद। तेज आईएएस ऑफिसर, तेज फरार आईएएस ऑफिसर है, 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर है राधा रतूड़ी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बन सकती है पहली महिला मुख्य सचिव। होने का टैग उन्हें मिल सकता है। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है और देहरादून की पहली महिला मुख्य सचिव होने का टैग राधा रतूड़ी को मिल सकता है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर तेज सरदार वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर है राधा रतूड़ी, जिन्हें अब देहरादून में मुख्य सचिव, प्रदेश की मुख्य सचिव इन्हें बनाया जा सकता है। उत्तराखंड को मिल सकती है पहली महिला मुख्य सचिव। तेज तर्रार वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर, 1988 बैच से पास आउट आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी। अब शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या के लिए उत्तराखंड से पहली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष साधु संत भी मौजूद रहे। ट्रेन से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और साथ ही बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या राम मंदिर के लिए रवाना हुए। अयोध्या जा रहे राम भक्तों में बड़ा ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। बहुत खुशी हो रही है, ये माननीय मोदी जी की उससे आस्था ट्रेन के माध्यम से हम अयोध्या जा रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी, जिसमें कम से कम 30-40 लोग हम हैं, और बड़ी खुशी हो रही है। और जय श्री राम। ये आज 29 तारीख को निकलेगी यहाँ से 3:35 पे और 31 तारीख को ये वापस सुबह यहाँ पहुँच जाएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम जिस मुकाम पर है उसकी वजह कांग्रेस ही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भावनाएं हैं, एक गरीब घर का लड़का आज अगर कोई ऊंचे पद पर बैठता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, वह बहुत सामान्य परिवार से उठकर आज प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भावनाएं हैं वो एक गरीब घर का लड़का अगर कोई उच्च पद पर बैठते हैं, जैसे हमारे आदरणीय जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बहुत सामान्य परिवार से उठकर के चाय बेचने का जिन्होंने काम किया हो और अपने मेहनत के दम पर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की दृष्टि से वो आज देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मेहनत और उनका देश के प्रति जो समर्पण रहा उसी के अनुकूल उनको ये प्राप्त हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर के नारसन विकासखंड कार्यालय पर लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की है, जहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। Thank you.
ये यहाँ महिला मोर्चा में यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। वहीं गांव चलो अभियान के तहत बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने बैठक आयोजित की है। इस बैठक में जिला और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि गांव चलो कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंडल के सभी बूथों में बीजेपी कार्यकर्ता 24 घंटे का प्रवास करेंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी लोगों को देंगे। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों की परेशानियों का भी ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर गांव चलो का कार्यक्रम हमको दिया गया है। पार्टी चुनावी मोड में पूरे रूप से काम कर रही है। परसों को हमारा मातृवंदन योजना का भी कार्यक्रम है। लगातार पार्टी की बैठकें हो रही हैं जिससे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कैसे मजबूत कर सकते हैं और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान कर सकते हैं। 24 घंटे के प्रवास में हमारा वो कार्यकर्ता उस बूथ की समस्याओं को लेकर भी आएगा और उसका हम प्रशासन से शासन से उसका समाधान भी जहां पर जो समस्या होगी वो करने के लिए आज हम बैठक कर रहे हैं। वही देहरादून पुलिस यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा महाअभियान चला रही है जो 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में देहरादून के घंटाघर चौक पर एक दिवसीय बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया गया जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को रोक करके उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करवाया। का जो पूरा ये मास है इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा ईजाद किए जा रहे हैं जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो और साथ ही साथ जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे दो बालक हैं जो अभी एक CPO इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे इतना हम लोग समझाते हैं तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए और जो आमजन की जनता और जो ऐसे लोग भी देख रहे हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज जाता। अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जिले से तमाम इलाकों से गुम हुए 57 मोबाइल फोन बरामद किए। SSP देवेंद्र पिंचा ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए फोन वापस किए हैं। बता दें कि SSP देवेंद्र पिंचा ने कहा कि जिले भर में खोए गए मोबाइल की शिकायत मिली थी, उन शिकायतों के आधार पर अल्मोड़ा पुलिस ने कार्रवाई कर फोन वापस किए हैं। देखिए ये कुछ समय से जो मोबाइल जो गुमशुदी थे उनकी जो कंप्लेन हमारे द्वारा लिखी गई थी उसको आज हमारे मोबाइल रिकवरी सेल ने 57 मोबाइल जो अभी कुछ दिनों में रिकवर किए हैं इनके ओनर्स को हमने आज लौटाए हैं। आज 10 से 12 जो ओनर थे उनको आज मेरे द्वारा हैंडओवर किया गया है। ये जो कुल 57 मोबाइल से उनकी कीमत अनुमानित लगभग 14 लाख रुपये के आसपास की है। तो भविष्य में भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा अगर किसी का मोबाइल गुम होता है तो हमें सीधे कंप्लेन करें ताकि हम उसको रिकवर। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, अभी लेते हैं ब्रेक। मानसखंड में आज
अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चारधाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा की, जिसमें देश के करोड़ों बच्चों ने भाग लिया और कई बच्चों ने अपने प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे। इसके साथ ही बच्चों ने पीएम मोदी से अपने सवालों का जवाब भी मांगा। इस पर उत्तराखंड राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के 1,40,000 बच्चों ने और साथ ही 1,000 शिक्षकों ने, साथ ही कई अभिभावकों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था, जो कि उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही उनका कहना है कि शिक्षा के आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पर चर्चा का अभियान शुरू हुआ है, तब से हमारे देश का रिजल्ट 10% ज्यादा अच्छा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा अभियान चलाकर बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, हमारे राज्य से 1,40,000 से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा का आज रजिस्ट्रेशन किया था और 15,000 से ज़्यादा टीचरों ने आज रजिस्ट्रेशन किया था और 4,000 से ज़्यादा अभिभावकों ने इसमें आज रजिस्ट्रेशन किया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हजारों स्कूलों में कार्यक्रम किया गया, लाखों बच्चों ने हमारे राज्य में इस कार्यक्रम को देखा है। प्रधानमंत्री जी हर साल की भांति इस साल भी लगभग 2.25 घंटे बच्चों के साथ रहे हैं। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। हमारे उत्तराखंड का भी सौभाग्य था कि हमारे यहाँ के बच्चे ने भी प्रश्न पूछा है। और बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के जो आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पे चर्चा का अभियान शुरू है, लगभग 10% रिजल्ट पूरे देश का अच्छा रहा है। हमारे राज्य में भी अब हम जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बच्चा परीक्षा देता है, 2 विषयों में हमने अंक सुधार का जो निर्णय लिया था उसमें 10% रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आज बच्चों के प्रति उन्होंने आज जो बातें बोली और बच्चों ने जो जो क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी से पूछे हैं, आज करोड़ों बच्चों ने उसको आत्मसात भी किया है। मुख्यमंत्री जी आज हमारे कार्यक्रम में आए थे, मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां चिहरी विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगामी 1 फरवरी से मौन उपवास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चिहरी विस्थापितों को अभी तक भूमिधर अधिकार नहीं मिल पाया है, जो सबसे चिंताजनक विषय है।
इसी तरह ही हरिद्वार के पथरी क्षेत्र की तीसरी पीढ़ी भी मारी मारी फिर रही है। 2016 में तत्कालीन सरकार ने मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी किए थे और पत्रावली तैयार करवाई गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने अपनी तरफ से सर्वेक्षण करवाया था, लेकिन इस तथा कथित सर्वेक्षण में टिहरी विस्थापितों के पास आवंटित 912 एकड़ भूमि के बजाय 968 एकड़ भूमि पर कब्जेदार बताए जाने के बाद सारे मामले को उलझा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे निंदनीय बताया। दिनों मैंने पूरे हरिद्वार में अघोषित पावर कट से पूरा हरिद्वार त्रस्त अघोषित चौथ घंटा जो है पावर कट हो गया। किसानों ने सिंचाई करनी है, उनके ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे, लोग बड़े परेशान हैं। मैंने वहां ऐसी ऑफिस में सांकेतिक तालाबंदी की थी और मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं, यदि ये पावर कट को शीघ्र दूर नहीं करेंगे, किसानों को बिजली लगातार नहीं देंगे, तो जो है हम यहाँ जो ऊर्जा भवन है ऊर्जा भवन में धरना देंगे और वहां आंशिक तालाब। एक बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानस खंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर ना जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले विकासनगर विधानसभा में कांग्रेस को एक बड़ा ही झटका लगा है, जहां पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता और साथ ही पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और कई पूर्व सभासद सहित कई लोगों को विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और सदस्यता ग्रहण कराते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आज सैकड़ों की संख्या में बीजेपी में शामिल हुए लोगों से पार्टी को बल मिलेगा और साथ ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत भी मिलेगा। आज भाजपा का दामन थमा है, वजह साफ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व
और इस समय कोई भी विकास का जो सपना समझेगा, किसी भी व्यक्ति का एक राजनीतिक सपना होता है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, उसको देखते हुए मैंने माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और ब्लॉक प्रमुख बिट्टू भाई के नेतृत्व में आज भाजपा का दामन थमा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कोई भी शर्त जो लोग कह रहे हैं या मेरे पूर्व दल के आज व्यक्ति ने जो बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि कौन क्या है। वजह साफ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल में डिलीवर किया डेवलपमेंट के एजेंडे पर, राष्ट्र के मान और सम्मान को पूरे दुनिया में उसका डंका बजाने के लिए, और जिस प्रकार से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है, चहुमुखी विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार से भारत दौड़ रहा है, और जिस प्रकार से 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के उसमें प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक। खंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानस खंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है, तो ये हमारे बहुत एक अच्छी बात है। एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर ना जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। देखिए बार एक बार फिर से आपका स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हल्दू चोड़ देव भूमि उद्योग व्यापार मंडल में चार पदों पर हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। इसके साथ ही मतगणना पूरी होने के बाद चुनावी नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष खेम सिंह बिष्ट, उप सचिव विनित दुमका, कोषाध्यक्ष हरमोहन बिष्ट सहित उर्वा दत्त भट्ट को 51 मतों से पराजित किया। रोहित जोशी को 107 जबकि उर्वा दत्त भट्ट को 109 वोटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं महामंत्री पद पर जीवन चंद्र पांडे ने चंदन कुटोला को 79 वोटों से पराजित किया। बता दें कि मतगणना प्रक्रिया 12 राउंड में संपन्न करवाई गई है, जिसमें चुनाव अधिकारी हर्ष जलाल, अतुल गुप्ता के अलावा देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। और आप सभी को भी शुभकामनाएं। जैसे कि इस बार हम लोगों ने
देवभूमि व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बूंदी से लेके गोटा मोदीनगर जहां तक हमारा कोतवाली क्षेत्र आता है, हमने एक संगठन संगठन का नारा देते हुए सभी व्यापारी भाई करवाई और जिसमें सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप सभी के व्यापारियों के, आप सभी के मीडिया कर्मियों के, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चुनाव को बहुत चुनाव मामलों का सहयोग किया और सारे व्यापारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जो सारी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुआ है। और इसमें मतदान हमारा लगभग 80% मतदान हुआ है। एक संगठन मध्यम संगठन का नारा के आम चुनाव हो रहे हैं, व्यापारियों में भारी उत्साह था, उम्मीदवारों में भी भारी उत्साह था और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे सारी हमने व्यवस्थाएं कर रखी थी। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, काउंटिंग जारी है और जो प्रत्याशी जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे संगठन में, क्योंकि ये तो एक सामाजिक संगठन है, इसमें सब लोगों को हम सम्मान देंगे। ऐसा नहीं जो हार गया उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सब मिलजुल के काम करेंगे। इसके बाद हमारे लालकों में है, अल्मोड़े में, कई जगह बेताल घाट में भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि देवभूमि युवराज मंडल ने खुली छूट दे रखी थी जो भी नॉमिनेशन करे, चाहे अध्यक्ष भी है कहीं कुछ है, क्योंकि लोग कहते थे भाई आप नॉमिनेशन करते हो, इसलिए हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। हर इकाई में हम चुनाव कराने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।